देखिए ऐसा था कि 27 तारीख की रात में एक बिछौली गांव है हमारे थाना निगोई में, यहां पर रंजीत नाम के व्यक्ति ने ये सूचना दी कि उसके जीजा रविंदर को कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है, अपहरण करके ले गए। उसके जीजा के पास में करीबन 1.5 लाख रुपया है और इसीलिए वो अपहरण करके ले गए हैं। तो ये बात रात में बड़ी गंभीर रही और इसमें फिर हमारे इंस्पेक्टर साहब और सारे थाने के लोग रात में पहुँचे। हमारी SOG की टीम है, वो पूरी की टीम पहुंची वहां पर। फिर हम लोगों ने पूरे जो है उस क्षेत्र को ढूंढवाया, गन्ने के खेतों को ढूंढवाया और गांव के लोगों के साथ मिलकर उनसे बात की क्या बात थी। और फिर जब हम रात भर कोई सफलता नहीं मिली, फिर हम लोगों ने सुबह ये इस बात को गहनता से देखा तो हम लोगों को ये लगा कि कुछ इसमें संदेह की स्थिति उत्पन्न ये हो रही थी कि इनके द्वारा जो बताया जा रहा था कि जो अपहर्ता थे वो पैदल आए थे और पैदल आकर के वो अपहरण के ले गए, तो ये बात कुछ संदेह हम लोगों को लगा। हम लोग फिर इसमें सर्वनाश के लोगों ने बहुत इसमें मेहनत किया, CDR निकाला और लोकेशन ट्रेस किया और इसमें हमारे SOG की टीम के और हमारे इंस्पेक्टर पता लगा कि वो आदमी लगातार जो है संपर्क में है और यहीं आसपास कहीं घूम रहा है। तो हमारी SOG की टीम और इन लोगों ने उस मुखबिर की सूचना पर, लोगों के बात पर, एक जगह पर इन लोगों को देखा और देखकर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में जब इनसे बातचीत की तो बातचीत में कहानी दूसरी ये नज़र आई है कि इसमें जो रविंदर है इसका एक साला है नन्हे, ये मदनापुर का रहने वाला है, ये एक शर्मा सिंह है, इन्हीं की बिरादरी के हैं कठेरिया के, उसकी लड़की से प्रेम करता था, उससे शादी करना चाहता था। शर्मा सिंह ने ये आश्वासन दिया था कि हम इन दोनों की शादी कर देंगे, लेकिन बाद में शर्मा सिंह ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिस बात पे ये लोग थोड़ा सा उससे खफा हो गए। और इन लोगों ने कहा कि जब इन्होंने शर्मा सिंह ने पहले शादी के लिए कहा था और अब शादी के लिए मना कर रहा है, हमसे झूठी बात की तो हम भी इसको झूठा फंसाएंगे। फिर ये इन तीन लोगों ने इस बात में प्लानिंग की कि किसी तरह एक झूठे मुकदमा बनाया जाए और उसमें फंसाया जाए। तो इनकी कहानी ये रही कि ये उस गाँव में गए और इनका ये मैटर था कि ये रविंदर गायब हो जाएंगे, फिर ये नन्हे जो है ये शर्मा सिंह का नाम लेके अपहरण का मुकदमा कायम करा देगा। लेकिन इनका मंसूबा इसलिए हो गया कि उसमें एक रंजीत जो इनका वहाँ का साला था वो इनके साथ बैठा था और इन्होंने उसको सोचा कि उसको हम डरा धमका के अपनी कहानी कर देंगे, लेकिन रंजीत ने चिल्ला दिया, गांव के लोग आ गए और फिर उसमें रंजीत ने अपहरण का मुकदमा लिखा था। तो जो इनकी जो कहानी थी वो फेल हो गई। और अब यही है कि इन्होंने अपहरण के झूठा अपहरण का ये प्रोपगंडा किया है अपहरण, और उसमें जो है इन्होंने झूठी कहानी गढ़ करके ये बनाया है, तो इसमें इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई की गई है, अब इनको जेल भेजा जा रहा है।